अभी हम हिंदी लेटर देखते हैं। ये विषय है A92 दिव्य लोक सुभाष चौक तिलक नगर पुणे से। साहिल देशपांडे पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश महोदय पुणे को पत्र लिखता है। तो अभी यहाँ पे देखो से लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या है, लिखने वाले का एड्रेस है। कौन पत्र लिख रहा है? साहिल देशपांडे। हाँ, किसको? तो यहाँ पे को है, किसको? तो जिलाधीश महोदय पुणे को। ठीक है, तो पहले तो क्या बोला है मैंने, डेट डालना है ना। तो यहां से मैं चालू करती हूँ दिनांक। अभी दिनांक अभी कुछ भी डाल सकते हैं। अभी हम लोग डालते हैं 3 जून ही डालते हैं। चलो 3 जून 2020। ठीक है, अभी यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी में हम लोग लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे? सेवा में। हाँ, अभी सेवा में लिखने के बाद किसको पत्र लिख रहे हैं? जिलाधीश महोदय पुणे, है ना। तो वही लिखना है एड्रेस, जिलाधीश महोदय पुणे, फुल स्टॉप। फिर यहाँ पे अभी हमें क्या करना पड़ेगा? विषय लिखना पड़ेगा, एक लाइन छोड़ के विषय लिखने का। विषय क्या है? पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई, है ना। तो पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई, है ना, तो उसका शिकायत पत्र लिख रहे हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, चलो, के लिए शिकायत पत्र। ठीक है, अभी क्या करना है? अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट को, एक लाइन छोड़ना है और लिखना है महोदय। अभी महोदय लिख दिया, फिर क्या लिखा? खुद का इंट्रोडक्शन। तो मैं लिखूंगी, मैं कौन हूं? मैं साहिल देशपांडे। अभी मैं साहिल देशपांडे, देखो साहिल देशपांडे मेरा नाम है और मैं रहता हूँ किधर हूँ? तिलक नगर पुणे, है ना। तो मैं साहिल देशपांडे कहाँ का? तिलक नगर का निवासी हूँ। क्या हुआ? मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। अभी मुझे रीजन लिखना है, मैं पत्र क्यों लिख रही हूँ। मैं आपका ध्यान पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई, उन्होंने दिया हुआ है वही हम लोग लिख रहे हैं, अनियंत्रित कटाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आकर्षित करना चाहता हूँ। आपका रीजन ये भी हो गया, रीजन भी हो गया। अभी नेक्स्ट इसमें क्या लिखेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम है, है ना। हाँ, अभी हम लोग लिख सकते हैं ना, नगर के सड़कों के दोनों ओर सरकार ने जो वृक्ष लगाए थे, उनमें से अधिकांश कटवाए जा चुके हैं। अब पत्र क्यों लिख रहे हो भी समझा? अभी इसका मतलब सब जन देख रहे थे क्या? नहीं, कुछ समाजसेवी संस्था
उन्हें इसे रोकने की कोशिश की या प्रयास किया तो भी चलेगा। हाँ, तो उनके साथ मारपीट की गई। ये हो गया। अभी ये क्या है, क्योंकि कौन कर रहा है ये सब? तो कुछ ऐसे स्वार्थी लोग जो सफाई, हाँ, ये काम कुछ स्वार्थी लोग, हाँ, कर रहे हैं, हाँ, जो सफाई के नाम पर वृक्षों को कटवा रहे हैं, ये हो गया। अभी इसमें लिखना चाहिए कि क्या हो सकता है कि यदि अभी ये हो गया, मेरा क्या बोलते कंप्लेंट हो गया, अभी मैं पैराग्राफ चेंज करूँ। यदि यह कटाई इसी प्रकार चलती रही तो शीघ्र ही यह क्षेत्र क्या होगा, वृक्षों से खाली हो जाएगा। हाँ, अभी आप इनको पत्र क्यों लिखा? तो आपसे अनुरोध है या विनंती है या प्रार्थना है, कुछ लिखो। आपसे अनुरोध है, पुलिस तथा कोई सतर्कता का मतलब अलर्ट विभाग जो रहता है वो को इस स्थिति से निपटने का आदेश दे। ये एक्चुअली नहीं लिखा तो भी चलता था, वो लोग देख सकते थे ना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक लाइन छोड़ के मैं लिखूं कि बौद्धीय, क्या लिखूंगी, बौद्धीय। लिखने के बाद अभी मेरा नाम क्या है, साहिल देशपांडे है कि नहीं, मैं लिखूंगी साहिल देशपांडे। उसके बाद एक लाइन छोड़ के मैं एड्रेस लिखूंगी। एड्रेस क्या है, A92 दिव्यलोक, फिर क्या है, सुभाष चौक, तिलक नगर, पुणे। ठीक है, देखो यहाँ पे सब जगह में मैंने कॉमा दिया, यहाँ पे फुल स्टॉप दिया अगेन। अभी मुझे क्या करना है, मेरा ईमेल आईडी डालना है। अभी मैं ईमेल आईडी abc.xyz भी डाल सकती हूँ, या अभी मेरा नाम क्या है, साहिल देशपांडे @gmail.com ऐसे भी लिख सकते।